प्यारे भैया बहन, आज हम लोग मेजरमेंट और लेंथ का एक्सरसाइज नंबर 54 एडिशन है एडिशन है इसको जो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, नीचे में उसका वैल्यू लिखा हुआ है, यानी एक क्वेश्चन आपका समझिए कि डेसिमल का एडिशन हो गया। क्या हो गया? डेसिमल का एडिशन हो गया। सीएम से कोई मतलब इसका नहीं है। 9, 7, 16 के 6 हाथ में एक, 8, 6, 14 हाथ एक में, 15 के 5 हाथ में एक, और 4, 3, 7 और 1, 8। क्लियर? एडिशन 2, 3 पे करते जा रहे हैं। एडिशन यहाँ बताने में बहुत अजीब डर रहा है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं इस एडिशन को। 9, 3, 12 के 2 हाथ में एक, 7, 6, 13, 1, 2, 4 हाथ में एक, और 5, 1, 6, 1, 7। क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन, 9, 3, 12 के 2 हाथ में एक, 8, 1, 9, 8, 3, 11 के 1 हाथ में एक, और 7, 1, 8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर, 9, 8, 17 के 7 हाथ में एक, 8, 7, 15, 1, 16 के 6 हाथ में एक, और 5, 1, 6, और 9, 8, 17 के 7 हाथ में एक, और 1, 1, 2। क्वेश्चन नंबर फाइव, 9, 6, 15 के 5 हाथ में 1, 8, 7, 15, 16 के 6 हाथ में 1, 2, 1, 3। पॉइंट हो गया 3, 2, 5, आइए 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सिक्स, 3 डिजिट का 3 नंबर है इसमें, 1, 2, 3, 6, 3, 9, 9, 18 के 8 हाथ में 1, 8, 7, 15 और 1, 16 के 6 हाथ में 1, 8, 10, 1, 11, 8, 12 के 2 हाथ में एक, और 1, 1, 2। क्वेश्चन नंबर सेवन, 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 दिया हुआ है, 6, 5, 11 के 1 हाथ में एक, 8, 7, 15 और 4, 19 और 8, 20 के 0 हाथ में 2, 8, 2, 10 और 10, 20 और 2, 22 के 2 हाथ में 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब आइए 8 में, 9, 6, 15 के 5 हाथ में एक, 9, 1, 10 और 3, 13 के 3 हाथ में एक, 8, 1, 9 और 9, 6, 15 और 2, 17 के 7 हाथ में एक, 1, 1, 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, 7, 3, 10 के 0 हाथ में एक, 9, 1, 10, 8, 18 के 8 हाथ में एक, 7, 4, 11 हाथ वाला 1, 12, 12, 5, 17 के 7 हाथ में एक, 4, 1, 5 और 8, 8, 5, 13 के 3 हाथ में एक, 1, 1, 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में है, सीएम और एमएम लिखा हुआ है। अब आपको जानना पड़ेगा सीएम और एमएम में यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए कि नहीं। मिली सेंटी, मिली के बाद सेंटी, यानी एक ही घर का फासला है। इसका मतलब कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ 1 डिजिट से काम चलेगा, 1 डिजिट ज्यादा रहना नहीं चाहिए। तो 44 और 9, 30 और 8, 9, 8, 7 हाथ में कैरी, 1, 1 इसको मिल जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा, 4 और 1, 5, और 4, 3, 4, 3, 7। ठीक है, अब दूसरी बात में हम लोग देखेंगे, ये वाला रुपया पैसा में जैसे बनाए थे तो उस ढंग से बनाएंगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 4 और यहां होगा 7। अब आइए कैरी कर लेते हैं, यहां से 10 निकाल लेंगे तो 1 सीएम बन जाएगा, 10 निकाल लेंगे तो 1 सीएम बन जाएगा। यहां बचा कितना, 7 निकाल दिए, 10 निकाल लिए तो हो गया 5.5, 7.5, 7, सॉरी। इस ढंग से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। यहां पर देख लेंगे कि तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन सही दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। सीएम आईएम रहेगा तो एमएम में 1 डिजिट होना चाहिए, तो 1 डिजिट यहां पर है, 9, 8, 17 के 7 हाथ में एक और 4 और 1, 5, 75 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अब आइए उसी तरह से यहां पर मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन है,
100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यानी यहाँ पर दो डिजिट का होना जरूरी है, एक जीरो था, दो जीरो था, तो यहाँ दो जीरो, दो डिजिट होना जरूरी है। हाइट यदि 100 होगा तो चल जाएगा यहाँ पर इसी दो डिजिट में, या 99 तक जा सकता, सीएम हम लोग 99 तक लिख सकते हैं। 9 5 14 के चार हाथ में एक, 7 2 9 और हाथ वाला एक 10, 10 से नहीं लिखेंगे हम लोग, कैरी दर्द देंगे। एक आया 8 8 9 और 7 8 8, वो टाइम वाला में थोड़ा सा दिक्कत था, कैरी हम लोग 1 नहीं दे सकते थे वहां, इसलिए वहां पर हम लोग उस ढंग से बनाए थे, 63 वेट करके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बनाए थे, यहां जरूरत नहीं है। मीटर सेंटीमीटर जोड़ लीजिए, यहां भी देखिए दो डिजिट में दिया हुआ, सेंटीमीटर मीटर का दिया हुआ, 9 9 18 18 5 23, ये तीन हाथ में 2 8 15 2 17 7 8 1 आ गया, 9 1 10 और 7 2 9 10 9 19 के 9 हाथ में 1, 7 1 8 और हाथ वाला 9 और यहां पर 1, 10 का सी भी बन गया, 10 का डी नंबर। किलोमीटर मीटर 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर, इसलिए मीटर वाला तीन डिजिट उन्होंने लिखना जरूरी है। तो तीन डिजिट क्या लिखा हुआ, तो 835 क्योंकि 9 लिखा हुआ था हम लोग तीन डिजिट में लिख दिए, और 79 लिखा हुआ था इसको भी तीन डिजिट में लोग लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर मीटर में 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, डिजिट 1 लिखा हुआ था, इसे दो डिजिट बना लिया, इस तरह से यहाँ भी बना लिया हम लोग, बन गया है 9 9 18 18 5 23 के 3 हाथ में 2, 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 और यहाँ पर आई 9 1 10 10 लीजिएगा के 3 हाथ में 1 और 2 1 3 और 1 4, क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का डी तक हम लोग सोल्व कर दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एट 55 मीटर 78 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 23 सेंटीमीटर एंड देन एक्सप्रेस द सम इन मीटर एंड सेंटीमीटर, तो इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ दीजिए, हो जाएगा आराम से। मीटर सेंटीमीटर 55 78 12 23 ऐड करेंगे 0.01 आएगा, 78 आएगा, ऐड करने वाला एक हाथ में 1 7 2 9 10 शून्य हाथ में एक कैंसिल जाएगा, वहां पर 5 2 7 1 8 5 2 7 5 6 6 हो गया 55 78 एंड 12 एंड 23 12 एंड 23 आठ दिन आया एक हाथ में 1 7 2 9 1 10 शून्य हाथ में 1 5 2 7 1 8 और 5 1 6 यहाँ 6 हो, क्लियर। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 12 39 किलोमीटर 575 मीटर 40 किलोमीटर एंड 80 मीटर, तो 39 575 40 और किलोमीटर है तो मीटर जब भी रहेगा तीन अंक में लिखना पड़ेगा, तो दो अंक में था एक, हम लोग पहले जीरो लगा करके इसको बना लिए 0 8 0, अब ऐड कर लिए 5 8 5 में 1 5 1 6 और यहाँ पर 9 आया और 4 3 7 आया, 79 किलोमीटर 655 मीटर, यहाँ देखिए 68 मीटर तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। मीटर मीटर लिखे ऐसे नहीं लगाया क्योंकि एक है। अनुपाउट 3.25 मीटर क्लॉथ फॉर हर ड्रेस, अपना ड्रेस के लिए इतना मीटर कपड़ा खरीदती है एंड 2.96 मीटर क्लॉथ फॉर हर ब्रदर स्वीट सूट, ब्रदर का सूट के लिए खरीदता है। हाउ मच क्लॉथ डिड सी बाय, कितना कपड़ा खरीदी सो बताइए। अब अनुबाउड क्लॉथ फॉर ड्रेस इज इक्वल टू 3.25 मीटर, अनुबाउड क्लॉथ फॉर स्वीट इज इक्वल टू 2.96, दोनों को टोटल क्लॉथ सी बाउट दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड ऐसे लिख दिए हैं तो यहाँ पर ऊपर नीचे लिख करके ऐड कर लीजिए, 6.21 मीटर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13 तीन सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कपिल साइकिल्स 4.385 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, सुबह में साइकिल चलाता है
4.385 किलोमीटर एंड 3.806 किलोमीटर इन द इवनिंग, शाम को चलाता है अपना। हाउ मच डिस्टेंस डज ही साइकिल एवरी डे, प्रत्येक दिन वह कितना साइकिलिंग करता है। ठीक है, कपिल साइकिल्स इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 4.385 किलोमीटर, कपिल साइकिल्स इन द इवनिंग इज इक्वल टू 3.806 किलोमीटर, 3.806 टोटल डिस्टेंस ही साइकिल एवरी डे, ही साइकिल्स एवरी डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.385 किलोमीटर एंड 3.806 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे। मेंटली आप यूनिट यूनिट को यहाँ पर वन से पहला पहला को जोड़ दीजिए, दूसरा दूसरा को जोड़ लीजिए, तीसरा तीसरा को जोड़ लीजिए और चौथा चौथा को जोड़ लीजिए और काम कर लीजिए। दिक्कत है तो ऊपर नीचे लिख करके आप ऐड कर लीजिए, 8.191। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, टीना नाम की लड़की है, वो घर से निकलती है मुंबई के लिए, वॉक पहले चलती है 1.5 किलोमीटर, कोई साधन नहीं है, हाफ किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पहले चलती है, देन टेक्स ए बस, तब वो बस लेती है, बस से चलती है, कितना बस से सफर करती है, 14.975 किलोमीटर बस से इतना सफर की, उसके बाद तब ट्रेन में चढ़ती है, बिफोर सी ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल करने से पहले वो बस से उतना चलती है और ट्रेन चलती है 48.090 किलोमीटर टू रीच मुंबई, मुंबई पहुंच जाती है पहुंचने के लिए। हाउ फार इज द मुंबई फ्रॉम हर होम, तो उसके घर से मुंबई कितना दूर है बताइए। टीना कवर डिस्टेंस बाय वॉकी, चल कर करके 1.5 किलोमीटर, टीना कवर डिस्टेंस बाय बस 14.975, टीना कवर डिस्टेंस बाय ट्रेन 48.090 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ऑफ मुंबई फ्रॉम टीनाज होम, सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए, अब ऊपर नीचे यहां पर लिख दिए, 1.5 के बाद हम 3 अंक बैठा लिए, डेसिमल के बाद 3 अंक है कर दिए और ऐड कर दिए, कितना है 64.565 किलोमीटर। इस ढंग से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 54 क्लास 5 के लिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 54 एडिशन था, और एडिशन था मात्र, एडिशन ही था इसमें, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, सॉल्व कर लिए, इसे अच्छी तरह से बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, अपनी कॉपी में फेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।